बच्चों एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ में यहाँ पे पूछता है मेमोरेंडम रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक, हमने पहले एग्जाम्पल में आपको बताया था कि जब मेमोरेंडम रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पूछता है तो उसमें जो ऐड वाले कॉलम जो जितनी भी चीजें ऐड की जाती हैं वो क्रेडिट में दिखा देंगे और जो लेस किया जाता है उसको डेबिट में दिखा देंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे मेमोरेंडम रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट। ठीक, एज पर जो भी समय दिया 31 मार्च 2019। फिर बाई प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट लिख दिया जाएगा। ठीक, फिर जितना जो भी चीजें दी हैं, जो एक्सपेंस इनकम जो भी चीजें रखी हैं, ऐड करने वाली क्रेडिट साइड में और लेस करने वाली डेबिट, चाहे एक्सपेंसेस दिया हो चाहे इनकम, उसके रूल के हिसाब से जो बनेगा वो करेंगे। जैसे अब यहाँ पे क्या लिखा है, पहला पॉइंट क्या दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड। क्या लिखा है, फैक्ट्री ओवरहेड वे अंडर रिकवर इन कॉस्ट अकाउंट बाय 6000। अब ये क्या है, अंडर रिकवरमेंट क्या है, कम दिखाया है, तो कम क्या लेस करते हैं, तो लेस अलग दिखाएगा टू में, तो देखो टू में दिखाया गया है टू फैक्ट्री ओवरहेड अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट 6000। फिर अगला क्या दिया हुआ है, ऑफिस ओवरहेड वेयर ओवर रिकवर इन द कॉस्ट अकाउंट। अब ये ओवर है, अधिक है, तो अधिक क्या ऐड करते हैं, तो बाय में दिखा है बाय ऑफिस ओवरहेड ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। ठीक, 10000। फिर अगला क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड रिसीव, ये इनकम है, इनकम हमेशा ऐड करते हैं क्योंकि कॉस्ट में होता नहीं है, फाइनेंशियल होता है, तो फाइनेंशियल बुक की अपेक्षा कॉस्ट में कम हुआ, कम को जोर, तो इनकम का क्या रूल है, कम को जोर ऐड करेंगे, तो ये ऐड वाले कॉलम है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड क्या हो जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड रिसीव इन फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक, अगला दे रखा है ऋण पत्रों ब्याज का भुगतान किया किंतु लागत लेखों में वसूल नहीं किया गया, ये एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस क्या है, फाइनेंशियल में दिखाया है, कॉस्ट में दिखाया है, तो कम को कम करो, तो लेस तो को लेस किया गया है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नाउ चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट 500। ठीक, अब इसके बाद एक दिया है ट्रांसफर फीस। ट्रांसफर फीस हमारी क्या होती है, इनकम होती है, इनकम हमेशा ऐड की जाती है, तो हम इसको बाय मिलेंगे बाय ट्रांसफर फीस। ठीक, ठीक, फिर इसके बाद दोनों तरफ का योग कर लेंगे, डिफरेंट आएगा, जो डिफरेंट आएगा वो डेबिट साइड में कम आएगा, मतलब है तो उसको लिख देंगे टू प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक, इस प्रकार से मेमोरेंडम रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट बन गया। ठीक, तो मेमोरेंडम रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट का क्या रूल है, जो चीज हम ऐड करते हैं वो क्रेडिट साइड में, जो लेस करते हैं वो डेबिट साइड में। ठीक, ओके, इस एग्जाम्पल को भी अच्छे से लगाइएगा। ठीक, ओके, बाय।